बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन में वेलकम करती हूँ जी। तो प्यारे प्यारी दुल्हनों, बहुत सारी दुआएं हैं कि आप अपनी खूबसूरत स्किन के साथ साथ अपना खूबसूरत नसीब भी लेकर अपने ससुराल जाएं। तो दुआएं तो हम आपके लिए करते ही रहेंगे, तो कुछ दवा भी हो जाए आपकी खूबसूरत स्किन के लिए। तो दवा जो है आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी, और वो रेमेडी है आपकी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखने की। बाकी फेस की और हैंड्स और फीट की तो हर कोई जो है केयर कर लेता है, लेकिन बॉडी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस आ जाती है बॉडी पे तो फ्रेशनेस नहीं फील होती। तो इसलिए ब्राइडल को जो है अपने सर से लेके पांव तक हर चीज़ के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। तो मैं आज जो एक बॉडी स्क्रबर आपके लिए लेके आई हूँ, उसके रिजल्ट्स कमाल हैं। तो उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत हो वो मैं आपको बता देती हूँ, और रेमेडी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ बेसन। ये मेरे जो ये आप लोगों के लिए ही मैंने छोटे छोटे जो जादू के चिराग है ना, इनमें ये चीज़ें डाल के रखती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद इसमें मैं यूज कर रही हूँ घर की पिसी हुई हल्दी, ये हमने पूरी पूरी डाल दी। इसमें मैं ये हाफ टी स्पून से डालूंगी। अच्छा, ये क्वान्टिटी मैं थोड़ी कम बना रही हूँ, आपने ज़ाहिर पूरा महीना यूज़ करना है, तो उसके लिए आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी इसकी कर सकते हो, अपने मुताबिक इसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद जी है मेरे पास जौ का आटा, ये इसमें मैं जौ का आटा डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों पे जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और इसकी अफादियत इन सब चीज़ों की आपको बता चुकी हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में बताने लगूंगी तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। लेकिन आपको रखना है ये ध्यान कि मैं वो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जो आपकी स्किन को बहुत वाइट, ब्राइट और ग्लोइंग बना देंगे। जी तो इसमें जो है मैं नेक्स्ट डाल रही हूँ बादाम, बादाम का पाउडर। ये हैं जी मेरे छोटे छोटे जादू के चिराग, और इसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं वो अपने अंदर जादू ही जादू जैसा असर रखती है, तासीर भी वैसी। ये बादाम का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें जाएगा जी ये ऑरेंज पील पाउडर, माल्टी के सिल्कों का पाउडर, ये इसमें ऐड किया। उसके बाद है मेरे पास के लेमन पील पाउडर, लेमन के छिलकों का पाउडर, फिर उसमें मैं डाल रही हूँ जी गुलाबी गुलाब की पत्तियों का पाउडर। एक और चीज बहुत जबरदस्त, केसों के फूल पिसा हुआ इनको। उसके बाद जी ये मेरे पास है कोकोनट, ये देखिए ये इस तरह फॉर्म में ये मैं डाल रही हूँ। उसके बाद ये है मेरे पास हल्दी घर की पिसी हुई, इतनी क्वांटिटी में हाफ टी स्पून, आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उसके मुताबिक उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। और है कचूर, कचूर का नाम सुन के मुझे जो है ना ब्राइड्स याद आ जाती हैं, इसलिए मैं बार बार ब्राइड्स की रेमेडीज में यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून जो है इसमें कचूर डालेंगे। उसके बाद जी ये है मैजिकल पाउडर बेकिंग सोडा, इसको जो है हम हाफ टी स्पून जितना ही डालेंगे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। फिर क्या रह गया जी मेरे पास, एक चीज़ रह गई बहुत ज़बरदस्त, ये है जी डव सोप, इसको मैंने क्रश कर लिया है, इतनी क्वांटिटी के लिए जो है ये इनफ है, आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उसको भी बढ़ा लीजिएगा। डव सोप जो है वाइट कलर वाला डव सोप मैंने वो लिया है, ये इसमें ऐड कर दिया। अब मैं कर रही हूँ इसको मिक्स, आप यकीन करें ये इतनी खूबसूरत जो है रेमेडी है, इतना अच्छा ये स्क्रब है, बॉडी स्क्रब कि फर्स्ट यूज़ के बाद ही स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, उसकी डेड लेयर जो है स्किन की वो उतर जाती है। इसको अच्छे तरीके से कर लें मिक्स, और जब भी आपने बाथ लेना है तो इसको यूज़ करना है, बल्कि पूरा जो आपका ब्राइडल पैकेज है प्री ब्राइडल उसमें आप इसी स्क्रबर को यूज़ करें। इस
में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं स्किन को लाइट बनाने में, ब्राइट बनाने में, फ्रेश बनाने में, ग्लोइंग बनाने में और सॉफ्ट बनाने में। इसको जी अब मैंने अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। ये देखिए, इसके बाद जो है ना एक और चीज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है ये ब्यूटी ऑयल। ये जो है मैंने बनाया था अपनी एक वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देखें। ब्यूटी ऑयल मैंने बनाया था ब्राइड्स के लिए, उसके मैं चंद ड्रॉप्स इसमें डालूंगी क्योंकि हमें जो है बहुत सॉफ्ट स्किन भी चाहिए, तो इससे स्किन जो है हमारी सॉफ्ट रहेगी। ये इतनी क्वान्टिटी के लिए ये इतना सा ऑयल जो है ये बहुत है। इसको आप कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। इसमें सारे ऑयल्स हैं पर वो ऑयल्स हैं जो हमारे स्किन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ये हो गया मिक्स। उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। इसके यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको लेंगे और थोड़ा सा इसमें जो है पानी मिक्स कर लेना है ये, और इसका बना लेना है पेस्ट। अच्छा, इसको थोड़ी देर बना के रखेंगे क्योंकि जो हमने इसमें सोप यूज़ किया है ना वो थोड़ा सा डाइल्यूट होगा, तो इतना खूबसूरत जो है उसका टेक्सचर बन जाएगा और उसमें वो थोड़ा सा जो फोमी जो हमें चाहिए उसका टेक्सचर बॉडी स्क्रब के लिए, बॉडी वॉश करने के लिए, तो वो हमें मिल जाएगा इसमें। तो इसको जो है एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे पानी डाल के। एक ये तरीका है, आप इस तरीके से करके इसको बना सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद लाइट से मसाज करें और उसके बाद वॉश करें, ये इस तरीके से। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा जो है जो अगर आप कोई बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हो तो इसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी लेके बॉडी वॉश के अंदर मिक्स करें और उसके बाद आप जो है अपनी बॉडी वॉश करें। लेकिन मेरा रिकमेंडेड यही है कि आप इसी से बॉडी वॉश करें। इसके अंदर सोप भी है, इसके अंदर सारे यूजफुल इंग्रेडिएंट्स भी हैं, इसके अंदर ऑयल भी है, तो आपको किसी भी किस्म के जो है शावर जेल की और किसी भी बॉडी वॉश की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त इस दुआ के साथ कि रही हमेशा अल्लाह की अमान में।